एक साथ 60 महिलाओं को एक ही बीमारी हो जाए, सुनकर भी हैरानी होती है। लेकिन ऐसा ही वाकया सामने आया है मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से, जहां इलाज कराने आई करीब 60 से भी अधिक गर्भवती महिलाओं की HIV रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में मेरठ के लाला लाजपत राय अस्पताल में पिछले 16 महीनों में 60 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं HIV पॉजिटिव पाई गई हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। हाल ही में यहां करीब 60 महिलाओं की रिपोर्ट HIV पॉजिटिव होने से सभी डॉक्टर्स की चिंता भी बढ़ गई है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस पर नजर रख रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर अखिलेश मोहन प्रसाद CMO ने कहा कि मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में 60 महिलाओं में HIV के मामले सामने आए हैं। ये सभी महिलाएं और नवजात बच्चे अभी एकदम ठीक हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास सभी प्रभावित महिलाओं का विवरण नहीं है, इन्हें HIV कैसे हुआ इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसकी जाँच के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। एक वर्ष के अंदर लगभग 1,12,000 महिलाएं मेरठ जिले के अंदर प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के दौरान एक बार कम से कम उनका HIV टेस्ट, हेपेटाइटिस बी टेस्ट एंड हेपेटाइटिस सी टेस्ट किया जाता है। इस दौरान जो जांच होती है उसी के अंदर हमारे यहाँ कुल मिला के मेरठ के अंदर 40 महिलाएं जो है वो पॉजिटिव मिली है, और जिसके अंदर एंटीनेटल आज की तारीख में जितनी एंटीनेटल है वो है 23 एंटीनेटल है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक जो पॉजिटिव थी, तथा 11 महिलाएं हैं 1 अप्रैल 2023 से 1 अगस्त 2023 तक पॉजिटिव। हमारे ERT सेंटर है जहां पे समय समय पर इनका वायरल लोड चेक किया जाता है, तथा फील्ड में जो स्क्रीनिंग होती है हमारी उसी में ये पॉजिटिव निकलती है तब उनको यहाँ पे ERT सेंटर पे रेफर किया जाता है। इनका वायरल लोड चेक करके इनकी लगातार इलाज किया जाता है। बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ERT सेंटर की एक रिपोर्ट सामने आई कि अस्पताल में प्रसव के लिए आई 81 गर्भवती महिलाओं में HIV पाया गया है। इन 81 HIV पॉजिटिव महिलाओं में से कम 35 प्रभावित महिलाओं ने बच्चों को भी जन्म दिया है। इसका इन्फेक्शन देखा गया है, कॉमनली तो वैसे पुरुषों में होता है, लेकिन 30% जो महिलाओं में होता है वो उस एज ग्रुप में होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, मतलब 15 से 35 साल की उम्र में 90% ऑफ HIV इन्फेक्शन होता है। तो इसीलिए ये प्रेगनेंसी में यही उम्र है जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है, तो ये प्रेगनेंसी में देखा जा रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि आजकल हर सेंटर पे टेस्टिंग है, पेशेंट की जागरूकता भी बहुत है, तो फर्स्ट विजिट पे ही जब पेशेंट गर्भवती होकर हॉस्पिटल में आती है तो हम उसे HIV की काउंसलिंग और टेस्टिंग का ऑप्शन देते हैं। तो कई बार पेशेंट्स को पता भी नहीं होता और पहली बार उनकी पॉजिटिव स्टेटस यही आता। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब जांच कमेटी द्वारा जांच की जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं में HIV पाया जाना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही का भी संकेत दे रहा है। फिलहाल इसके पीछे की असली वजह तो जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही साफ होगी। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।